खबर शामिल करें गुजरांवाला से, जहां के इलाका मोड़ एमनाबाद में जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, जिसकी वजह से लोग बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। इसी पर मजीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा वॉइस न्यूज़ सदीक से। आज बिल्कुल पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक प्रोग्राम एक मुनक्कत हुआ था, जिस पे एक बड़ी बड़ी पैना फ्लैक्स जो वह लगाई गई थी, जिस पर लिखा था कि अब चमकेगा हर गांव। और ये किस हद तक चमक रहा है आप मेरे अक्का में ये देख सकते हैं कि एक ये सर्विस रोड है जहां से गाड़ियों की गुजरगाह थी, और यहां पर 4 से 5 फुट तक जो है वो कचरे का ढेर लगा दिया गया है। और दूसरी जानब एक जो है वो यहाँ पर अंडरपास है, यहाँ से पब्लिक की गुजरगाह है, और दूसरी जानब जीटी रोड है जहाँ पर मेन स्टॉप है, और जो अंडरपास है यहाँ से पब्लिक गुजरती है, और पब्लिक को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है, और वो मुख्तलिफ बीमारियों में जो है वो मुबतला हो रहे हैं। और इस वक्त यहाँ के कुछ इलाके के जो मकामी लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी सर, एक मैं मोड़ इमना बात कर रहा हूँ, दस्तार वाला मेरा नाम है। सर ये देखे ना, ये जो रूढ़ी लगी हुई है ना, इसे नाले अंडर पास है, और ये मकामी लोग इधर आके कूड़ा फेंकते हैं। ये कॉर्पोरेशन की ना है ली है, जो कूड़ा नहीं उठाते ना, साढ़े कोई ट्राली देते हैं ना, कोई साढ़ा कोई सफाई का इंतजाम है। कॉर्पोरेशन के हम टैक्स देते हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ ना इंसाफी हो रही है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, ये कूड़ा उठाएं और हमारे को ट्राली मुहैया करें। और वादी के लोग हैं यहाँ मौजूद हैं, वो सारे कूड़ा इधर ही फेंकते हैं। अंडर पास है साथ, सर्विस रोड है साथ, इसका कोई हाल नहीं, आने जाने के लिए दुश्वारी मुश्किल पैदा हो रही है। और जी बिल्कुल, ये थे मुकामी लोग, इनकी बात आपने सुनी। और मैं साथ साथ ये भी आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ से अमले का एक बंदा जो यहाँ पर कचरा फेंक रहा था, उससे जब हमारी बात हुई, उनका कहना था हम सब लोग ही जो है वो यहाँ पर कचरा फेंकते हैं, और ये ज़िलाई इंतज़ामिया की आप अदम मौजूदगी समझें और अदम तवज्जो समझें और या ना अहली समझें। और इलाका मकिनों ने जो इलाका मकिनों ने ज़िलाई इंतज़ामिया से जो है वो मुतालबा किया है, उनका कहना है खुदारा इस कचरे को जो है वो यहाँ से फौरी उठाया जाए, ताकि हम और हमारे बच्चे जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। जी